कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, NSTAT नवंबर 2023 का रिजल्ट आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं उन सभी बच्चों के बारे में जिन्होंने राणा एजुकेशन ज्वाइन किया था और जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। हमारे चार बच्चों ने इस बार असिस्टेंट लेक्चरर के लिए और TA दोनों के लिए क्वालिफाई किया है और तीन बच्चों ने हमारा इस बार TA के लिए क्वालिफाई किया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज राणा एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि आपको पता है रिजल्ट आ चुका है और हमारे इस बार सात बच्चों ने क्वालिफाई किया है। मैं आपको उन सातों का प्रोफाइल यहां पे दिखा देता हूं। हमारे फर्स्ट स्टूडेंट थे मिस्टर मोहम्मद अफजल हसन, ओके, और आप यहां पे देख सकते हैं इन्होंने TA और AL दोनों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनके मार्क्स भी अच्छे हैं, है ना, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, तीनों में इनके मार्क्स अच्छे हैं गाइज। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी बच्चे हैं ये हमारे से कम 5 या 6 महीने पहले, एग्जाम के 5 या 6 महीने पहले जुड़ गए थे। मैं अपने हर वीडियो में यही बताता हूं कि गाइज आपको बहुत जल्दी बहुत स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना होता है। हम एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के बाद इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हर साल यही गलती करते हैं। तो हमारे फर्स्ट स्टूडेंट हैं मिस्टर मोहम्मद अफजल हसन, ओके, जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने AL एंड TA दोनों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गाइज आने वाले संडे को इन सभी बच्चों के साथ एक मैं वीडियो सेशन भी करूंगा और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा राणा एजुकेशन के साथ वो भी आपको बताऊंगा, ओके। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट थे मिस्टर सौरभ विश्वकर्मा, ओके, इन्होंने भी AL एंड TA दोनों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 237.5 मार्क्स इनके आए हैं। पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री तीनों में इन्होंने अच्छा स्कोर किया है, ओके। उसके बाद हमारे थर्ड स्टूडेंट हैं मिस्टर लक्ष्मी नारायण मलिक और ये राणा एजुकेशन के एक्चुअली टीम के मेंबर हैं, है ना, ये हमारी टीम में थे और इन्होंने कुछ सेशंस भी लिए थे बच्चों के, ओके, तो इन्होंने भी ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। मैं आपको बता दूं ये IHM शिमला में ही पोस्टेड है टीचिंग एसोसिएट की पोस्ट पे और इस बार इन्होंने हमारे साथ जुड़ के अपना AL वाला एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया है। इनके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 234 मार्क्स इनके हैं, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर अविरूप मलिक, अगेन ये भी IHM शिमला में टीचिंग एसोसिएट हैं और इस बार इन्होंने अपना AL का एग्जाम भी निकाल लिया है। ये भी राणा एजुकेशन टीम के मेंबर थे और ये कंटेंट डेवलपमेंट टीम में थे, है ना, इन्होंने भी इस बार का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो ये चार जो स्टूडेंट्स थे गाइज इन्होंने इस बार हमारा AL के लिए क्वालिफाई किया है। लास्ट ईयर के मुकाबले जो नॉट लास्ट ईयर दिस ईयर जो फैब में एग्जाम हुआ था उसके मुकाबले हमारे उस टाइम हमारे 2 AL ने क्वालिफाई किया था, इस बार हमारे 4 AL ने क्वालिफाई किया है। तो राणा एजुकेशन से जुड़ के हर साल बच्चों के जो सक्सेस रेट है वो बढ़ रहा है, ओके। देन उसके बाद बात करते हैं जिन्होंने TA क्वालिफाई किया है, तो ये है मिस श्वेता झा, ये कुछ मार्क्स से रह गए, है ना, सिर्फ 8 मार्क्स से रह गए। आप इनके मार्क्स देख सकते हैं, 211.5 नंबर है इनके। पेपर वन पेपर टू में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन पेपर थ्री में सिर्फ 8 नंबर से रह गए, है ना। तो इन्होंने TA क्वालिफाई किया है दिस टाइम। उसके बाद है मिस्टर मदन कुमार, अगेन इन्होंने भी हमारा ये भी पेपर थ्री में ही रह गए हैं लेकिन अगेन इन्होंने TA क्वालिफाई कर लिया है। और लास्ट में है मिस्टर हिमांशु गोगिया, इन्होंने भी टीचिंग एसोसिएट का जो ये एग्जाम है वो उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो गाइस ये 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राणा एजुकेशन को ऑप्ट किया था, हमारे साथ पढ़ाई की थी और अपना एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारे साथ कब जुड़े थे, है ना, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि लास्ट में एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी और हम एक महीने में तैयारी करेंगे एग्जाम हो जाएगा। गाइस ऐसा नहीं होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये पेपर क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, तीनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है। तो ये हमारा वो कोर्स है जिस कोर्स में इन बच्चों ने एनरोल किया था।
आप भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो अभी मैंने आपको बच्चे दिखाए हमारे साथ कब कब जुड़े थे। ओके, मोहम्मद अफजल थे, इन्होंने AL के लिए क्वालिफाई किया है। तो उन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था 16 अगस्त 2023, 4-5 महीने पहले, तब से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दिया था। हिमांशु गोगिया 14 अप्रैल 2023, ओके। देन आप देखेंगे मदन कुमार 31 दिसंबर 2022, 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके गाइस, जुड़ना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो आप ऑल ऑफ सडन लास्ट में जाके एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड ये मैं आपको दिखा दिया। देन हमारे सौरभ जिन्होंने AL के लिए क्वालिफाई किया है, उन्होंने 13 अक्टूबर को ये कोर्स ज्वाइन किया था। तो आप देखें गाइस कि कितने पहले से इनको अपनी स्टडी को शुरू करना पड़ता है। एंड श्वेता झा जिन्होंने TA के लिए क्वालिफाई किया है, उन्होंने भी 1 जुलाई 2023 को ये कोर्स ले लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी एग्जाम को गाइस क्वालिफाई करने के लिए है ना, आपको अर्ली स्टेज पे ही उसकी प्रिपरेशन को शुरू करना पड़ता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, आप ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम के नोटिफिकेशन का वेट करते रहो, ओके, और फिर जाके आप इस कोर्स को इस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं गाइस, ये वाला वो कोर्स है। ऑल राइट, ये वाला वो कोर्स है। कोर्स का नाम है कंप्लीट कोर्स ऑफ NSTAT एडवांस, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, तीनों गाइज आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे ऑफर है गाइज, जिन्होंने राणा एजुकेशन को ज्वाइन किया था और जिनका AL, जिनका AL के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया है, सिर्फ TA के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं, उनके लिए 50% डिस्काउंट है। अगर वो फिर से इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो उनको इस कोर्स की हाफ फीस पे करनी रहेगी। ओके, और इस कोर्स की जो फीस है गाइज वो 5000 है और 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहती है। 6 मंथ्स मीन्स अगर आपका एग्जाम 6 मंथ्स में नहीं होता है, उसके बाद होता है, तो आपकी वैलिडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ा दी जाती है। ओके, तो एक ऑफर तो ये है, जिन्होंने TA क्वालिफाई किया है, फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, 50% डिस्काउंट। और जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया था और उनका ना TA क्वालिफाई हुआ है, ना असिस्टेंट लेक्चर क्वालिफाई हुआ है, फिर से कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, तो गाइस उनके लिए 30% का डिस्काउंट रहेगा। ओके, जब भी उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे, पहले मेरे से बात कर लेंगे, ऐप पे ही चैटिंग कर लेंगे, मैं उनको कूपन असाइन कर दूंगा जिससे उनको वो डिस्काउंट मिल जाएगा 30% एंड 50%। और जिन्होंने कभी भी ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया था गाइज, वो उस कोर्स को ज्वाइन करिए। ओके, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए, अभी से शुरू करिए, और क्योंकि हो सकता है आपका नेक्स्ट NSTAT जो है वो फेब या मार्च में हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी फेब में हुआ था, है ना। तो यू नेवर नो कि NCHM कब इसकी नोटिफिकेशन निकाल दे। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इस कोर्स में इतना रिकॉर्डेड स्टफ है, आज तक 2020 से लेके आज तक पिछले 3 सालों में जितनी भी लाइव क्लासेस हुई हैं वो सारी रिकॉर्ड होके यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तीनों सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, सभी टॉपिक्स के आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिले हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर सारे आपको यहाँ पे सॉल्व मिले हैं, और तीनों पेपर्स के हमारे अलग अलग ट्यूटर्स हैं, है ना। पेपर 1 मैं पढ़ाऊंगा, पेपर 2 के लिए हमारे अलग ट्यूटर हैं, पेपर 3 के चारों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ट्यूटर हैं। ओके, तो डोंट वेस्ट टाइम, आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और NSTAT 24 की प्रिपरेशन को अभी से शुरू करिए। बहुत जल्दी गाइज, जो जिन बच्चों ने इस बार क्वालिफाई किया है उनके साथ में एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yeah.